सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग. ट्रू ट्रेडर्स आर कंसिडरिंग फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप. अच्छी बात है भाई, आप बनाए पार्टनरशिप, अल्लाह बरकत दे. विच डॉक्यूमेंट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट. बोथ पार्टनर्स में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है भाई, आपने कंपनी में भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट. लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया आपका उतना ही नुकसान हो सकता है अगर बिजनेस फेल हो जाता है, और उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता. इसका मतलब ऐसा नहीं होता लिमिटेड लाइबिलिटी में कि आप अपने पर्सनल एसेट्स बेच के बिजनेस का लोन जो है वो चुकाएं. सोल ट्रेडर अगर आप हैं और बिजनेस को नुकसान हो जाता है ज़्यादा, बिजनेस में अगर पैसे नहीं है तो लोग आपके घर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे अपना घर बेचो, अपनी गाड़ी बेचो, हमें पैसे दो. ऐसे ही पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड सोल ट्रेडर वाली, कि अगर किसी पार्टनर में ज़्यादा लॉस हो गया तो पार्टनर के घर पहुंच सकते हैं कौन, बाकी पार्टनर्स या जो है वो बैंक वगैरह, तो पर्सनल एसेट बेच के पैसे वसूल करेंगे. लेकिन कंपनी में नॉर्मली होता है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अब लिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कंपनी में नहीं है, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है. और बिजनेस में अगर दो पार्टनर हैं तो कम से कम एक पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो. क्या हो भाई, अनलिमिटेड. अगर सारे पार्टनर बोले हम लिमिटेड लाइबिलिटी पे चलना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं हो सकती. ये एक रूल है, सही है, इंटरनेशनली जब भी आप पार्टनरशिप बनाएं तो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती. कोई एक ना एक पार्टनर ऐसा होगा जो जनरल पार्टनर होगा जो रिस्क लेगा, और जब तक जनरल पार्टनर एक ना हो आपकी पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं बन सकती, सही है ना. और लिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, अगर चार पार्टनर है तो तीन लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन एक क्या होना चाहिए, कम से कम अनलिमिटेड. दूसरा नुकसान ये है कि जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं वो बिजनेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कौन कर सकता है, जो अनलिमिटेड पार्टनर हो, जो जनरल पार्टनर हो. अरी बात है, जैसे कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनका रिस्क लिमिटेड होता है, सही है ना. उनके घर पे आज तक ऐसा नहीं होगा, आपने फॉर एग्जांपल पीएसओ या एंग्रो के शेयर खरीदे और पीएसओ के सप्लायर आपके घर पहुंच गए कि भाई आप सप्लायर है, पीएसओ पैसे नहीं दे रहा तो आप हमें पैसे दें, ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि जितना आपने लगाया उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता. अब हमने बात की पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती, कम से कम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए जो बिजनेस में डे टू डे इन्वॉल्व होगा, सही है ना. और अगर सारे लिमिटेड नहीं हो सकते, अगर सारे लिमिटेड करने जाएंगे तो सारे स्लीपिंग पार्टनर बन जाएंगे, फिर वो घर पे बैठेंगे, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो. तो ये बात बोथ पार्टनर्स में है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये इनकरेक्ट है ना. तो यही आंसर होगा ना, बोथ पार्टनर्स में है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बात गलत है, दोनों पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती. अच्छा, और कह रहा है बोथ पार्टनर्स में टेक एक्टिव पार्ट. भाई ये तो बात सही है, बिजनेस में अगर दो पार्टनर हैं और दोनों जनरल पार्टनर हैं, सही, तो दोनों एक्टिव पार्ट ले सकते हैं, दोनों अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले अगर हैं. पार्टनर में शेयर देयर एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली बात है एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. पार्टनर में शेयर देयर नॉलेज, तो ए गलत है, सही, बाकी सब सही है.